अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनेगी। आप चाहे जो भी इसका नाम दो, सिंपल मटन कहो, मटन करी कहो, बोनलेस मटन कहो या स्पाइसी मटन कहो। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं हम स्टार्ट आज की यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है मटन, जिसको कि मैंने अच्छी तरह से धो के साफ करके रख दिया है, छोटी छोटी पीसेस। यहाँ मैंने बोनलेस मटन लिया है तो, और यहाँ पे मैंने लिया है एक अनियन, जिसको कि मैंने पहले से ही चॉप करके रखा था। एक टमाटर, उसको भी मैंने अच्छी तरह से पहले से ही चॉप करके रखा है। तो चलो करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर। अब मैं ये सारा मटन इसी में पहले डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो अब हम ये अनियन भी इसी में ऐड करेंगे, और ये जो हमने टमाटर काट के रखा था ये भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट, या जिसको हम बोलेंगे लहसुन का पेस्ट भी। अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पे इसमें 1 to 2 स्पून भी ऑयल, तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी। आज मसाले ऑलमोस्ट इसमें बहुत ही कम जाएंगे। यहाँ मैं डालूंगी इसमें 1 बड़ी इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ऑयल बिना बॉईल किए ही ऐड किया है इसमें। आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेशर कुकर में कोई भी खाना बना रहे हैं, जब आप उसको पहले ही स्टीम दोगे, ऑयल डालोगे ऐसे ही बिना फ्राई किए हुए, तो क्या होता है, ये जो ऑयल है इसकी जो स्मेल है वो स्टीम से ही भाग जाती है। वैसे आप लोगों को सब कुछ तो ये पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक। ये मैंने प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है। तो चलो अब हम इसको ऊपर से लेड रख देंगे और इसमें तकरीबन 1 से 2 स्टीम्स आने दें। तो चलो कर देंगे गैस को बंद और कर देंगे थोड़ा सा लिटिल बिट वेट, जब तक कि इसमें सारी सीटी ना निकले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रेशर कुकर है इसकी सारी सीटी निकल चुकी है। तो चलो खोल देंगे अब इसका लेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसका लेड खोल दिया। यहाँ आप देख सकते हो इसमें अभी बहुत पानी निकल आया है। तो चलो अब हम नीचे से गैस को कर देंगे फिर से ऑन, और इसको कर देंगे तब तक फ्राई, जब तक इनमें जो भी पानी है सारा ड्राई ना हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए मटन। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा मटन था ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें जो भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो है ये सारे खाली इसमें ऑयल निकला हुआ है साइड साइड से। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ऑयल बाहर भी निकाल सकते हो, अगर नहीं तो रख भी सकते हो फ्रेंड्स। तो चलो अभी इसमें मसाले ऐड करने की बारी। मसाले तो इसमें मैंने पहले ही बोला इसमें बहुत कम मसाले जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलो वही कम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, 1 to 2 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं ये फ्राई करते वक्त जले ना, क्योंकि पानी ये जो ऑयल है वो बहुत हॉट है। बस अब मिक्स कर दो और हमारी रेसिपी रेडी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने मसालों को भी मिक्स कर दिया है, और हमने इसमें 1/2 कप वाटर भी ऐड किया है। सॉरी फ्रेंड्स, वो मुझे स्किप हो गया आपको दिखाना, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। बस इतना सा पानी हमें इसमें ऐड करना है। बस ऊपर से अब हम ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको ऊपर से लीड रखेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही, क्योंकि इसमें पानी बहुत ही कम हमने डाला है, इसीलिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसके ऊपर अब लीड रखूँगी, ऐसे ही ओपन ही रखनी है, बंद नहीं करनी है। बस इसको हमें ऐसे ही अब 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। वाव। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो हमारा मटन है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आप मटन करी का हो, सिंपल मटन का हो, तीखा मटन का हो, कुछ भी का हो, बट बनता है बहुत ही यमी एंड टेस्टी। तो फ्रेंड्स, चलो अभी इसको सर्व करने की बारी। तो फ्रेंड्स, सर्व करने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।